कहने को तो कौन बनेगा करोड़पति में धनराशि 1 करोड़ और 7 करोड़ के बराबर होती है, पर अगर कोई व्यक्ति इसको जीतता है तो उसके अकाउंट में 1 या फिर 7 करोड़ रुपए नहीं जाते, बल्कि काफी कम अमाउंट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो उसपे सबसे पहले 30% TDS काटा जाता है, यानी कि 30 लाख रुपए तो सीधे सीधे साइड कर दो, और इस 30 लाख रुपए के TDS अमाउंट पर 4% सेस और 10% सरचार्ज भी काटा जाता है, यानी कि लगभग 4,20,000 रुपए, यानी कि टोटल टैक्स डिडक्शन होगा 30 लाख और 4,20,000, और इस तरीके से अकाउंट में उनके पास में सब कुछ कटकुटा के आते हैं 65,80,000 रुपए। और यही अगर कोई कंटेस्टेंट सच में 7 करोड़ रुपए जीत जाता है तो 30% TDS तो कटा ही कटा, इस 30% के अमाउंट पर 4% सेस और इस पर 15% सरचार्ज काटा जाता है, और इस तरीके से अकाउंट में लगभग सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए ही आ पाते हैं। तो अगर आपको भी ये जानकारी पहले पता नहीं थी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।